हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान। आज हम जानेंगे G20 के बारे में। G20 क्या है, कौन से देश शामिल है, वो कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो पे कमेंट और लाइक तो बनता ही है। G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20। दोस्तों, ये G20 या ग्रुप ऑफ 20 क्या है? G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 सोवरेन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। दोस्तों, तो जानते हैं G20 के अंदर किन देशों का समावेश है। दोस्तों, 2022 तक G20 में 20 देशों का समावेश था और 2023 तक इस समूह में 21 सदस्य अफ्रीकी संघ शामिल हुआ है। 21 देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और 21 देश अफ्रीकी संघ शामिल है। G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 के अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज, जिसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज देश शामिल है। यह GWP ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, 75% वैश्विक आबादी का 2/3 और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60% हिस्सा है। G20 की स्थापना 1999 में इकोनॉमिक क्राइसिस के जवाब में की गई थी। 2008 के बाद से यह साल में कम एक बार बुलाई जाती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री और अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी शामिल होते हैं। सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें यह 21वां सदस्य बन गया है। वॉशिंगटन DC में 2008 के पहले शिखर सम्मेलन के बाद G20 नेताओं की साल में 2 बार मुलाकात हुई, 2009 में लंदन और पीटर्सबर्ग में और 2010 में टोरंटो और सियोल में। 2011 से जब फ्रांस ने G20 की अध्यक्षता और मेजबानी की, तब से सम्मेलन वर्ष में एक बार आयोजित किया गया है। 2016 शिखर सम्मेलन हांगझो चीन में आयोजित किया गया था। 2017 में जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित किया था। 2018 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, 2019 जापान के ओसाका, 2020 रियाद सऊदी अरब, 2021 रोम इटली, 2022 बाली इंडोनेशिया और 2023 सब जानते ही हैं भारत में हुआ था। दोस्तों, 2020 का शिखर सम्मेलन रियाद सऊदी में हुआ था, लेकिन COVID-19 के कारण उसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाली है। इसकी अध्यक्षता के विषय वसुधैव कुटुंबकम या संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम या अंग्रेजी में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के रूप में अनुवादित है। इस बार G20 सम्मेलन 9 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 तक भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 26 अगस्त 2023 को
एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के उभरते एजेंडे, मानव केंद्रित विकास दृष्टिकोण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक क्रिप्टो करेंसी के विनिमय के लिए एक रणनीति के बारे में आशावाद व्यक्त किया। हालांकि G20 ने कहा है कि समूह का इकोनॉमिक वेक एंड ब्रॉड मेंबरशिप इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन और उच्च स्तर की वैधता और प्रभाव प्रदान करती है। डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के 2011 की एक रिपोर्ट में G20 की विशिष्टता की आलोचना की गई, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के कम प्रतिनिधित्व और गैर सदस्य देशों से पर्यवेक्षकों को आमंत्रित करने की प्रथा को केवल कंसेशन एट द मार्जिन्स के रूप में उजागर किया गया, जो संगठन को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता है। सदस्यता के मुद्दे के संबंध में हर कोई सबसे छोटा संभव समूह चाहता है जिसमें वे शामिल हो। इसलिए यदि वे दुनिया में 21वें सबसे बड़े देश हैं तो वे G20 चाहते हैं और सोचते हैं कि यह अत्यधिक है। यदि उन्हें काट दिया गया तो यह अनुचित है।